हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो बॉर्न जीनियस है, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको एक बारी में पढ़ के सारी चीजें समझ में आ जाती है ना। जैसे कि आर्यभट्ट वगैरह जैसे जीनियसेस हो गए, रामानुजन जैसे जीनियसेस हो गए, तो क्या उन जीनियसेस ने, क्योंकि वो बॉर्न जीनियस थे, तो क्या आगे उन्होंने कभी मेहनत नहीं करी? अगर वो मेहनत नहीं करते, आगे कुछ निरंतर सीखते नहीं रहते, तो उनका भी जीनियसनेस जो है वो एक लिमिट पे आके, एक सीमा पे आके समाप्त हो जाती। ठीक है, वो जीनियस इसलिए थे क्योंकि वो आगे से आगे निरंतर प्रयास करते रहे। जो व्यक्ति बॉर्न इंटेलिजेंट हो, बचपन से बड़ा ही तेज तरार और बड़ा ही चुस्त व्यक्ति हो, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, तो जो व्यक्ति चाहे बचपन से बड़ा मेहनती ना, बड़ा इंटेलिजेंट ना हो, बहुत वो नहीं हो कि भी इसको एक बारी में चीज समझ में आ जाती, लेकिन अगर वो हार्डवर्क कर रहा है ना, तो वो उस व्यक्ति को भी बीट कर सकता है जो टैलेंटेड है, बॉर्न जीनियस है। ठीक है, तो कभी भी इस उसमें ना रहिए, भूल में ना रहिए कि भाई मेरे को तो सब कुछ बड़ा आता है, मैं तो बचपन से ही 99% स्कोरर हूं, या फिर मेरे तो बचपन से ही बड़े अच्छे मार्क्स आए, तो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता हूं, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, ये असलियत बाहर लाते हैं। चाहे कोई कितना भी टॉपर रहा हो, लेकिन ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो है, सबका पसीना, खून पसीना एक मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति हार्डवर्क करेगा, ठीक है, वो आगे निकलेगा, और जो व्यक्ति हार्डवर्क नहीं करेगा, वो टैलेंटेड व्यक्ति चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हो, वो पीछे रह जाएगा। ओके, तो हम भी स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। विद वीट स्टॉक इन गवर्नमेंट गोडाउन्स एट 9.7 मिलियन टन्स ऑन मार्च 1, यानी कि 1 मार्च को हिंदुस्तान सरकार में जो गेहूं के गोदामों में जो गेहूं है, गेहूं का स्टॉक है, वो कितना है? 9.7 मिलियन टन्स है। ठीक है, ये कब तक का आंकड़ा है? 1 मार्च का। द लोएस्ट इन 7 ईयर्स फॉर दिस डेट। इस तारीख, मतलब हर साल क्या किया जाता है, इस तारीख को निकाला जाता है कि अभी हमारे पास कितना गेहूं है। तो पिछले 7 सालों में सबसे लोएस्ट गेहूं का स्टॉक है हिंदुस्तान सरकार के गोडाउन में। ऑल आईज आर ऑन द क्रॉप अबाउट टू बी मार्केटेड। तो अब सबकी निगाहें किसके ऊपर है? ऑल आईज मतलब सबकी निगाहें हैं किसके ऊपर है? सबकी निगाहें, जो अब नई फसल की कटाई होगी ना, गेहूं की फसल की कटाई होने का सीजन आ रहा है, तो कटाई होगी, फिर कितनी फसल आती है मार्केट में बेचने के लिए, उसके ऊपर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फॉर नाउ, अभी के लिए, अ बम्पर हार्वेस्ट सीम्स टू बी इन द ऑफिंग। ऑफिंग मतलब आने वाले समय में, निकट भविष्य में। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में बहुत बम्पर, भारी मात्रा में हार्वेस्ट, मतलब फसल की कटाई, फसल जो है वो आने की उम्मीद है। एटलीस्ट इन पंजाब, कम से कम पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में तो है ही। ठीक है, बाकी चाहे देश के बाकी हिस्सों में ना हो, पर इन हिस्सों में है। अनलाइक इन 2022 एंड 2023, जैसा कि 2022-23 के दौरान हुआ, उससे विपरीत अब क्या हुआ इस दौरान पे? When the crop suffered yield losses due to temperature spikes and unseasonal heavy rains, बोल रहे हैं जैसा कि उस समय के दौरान में हुआ, कि क्या हुआ? ज्यादा फसल जो है वो नहीं हुई, उसकी उपज, पैदावार, यील्ड मतलब पैदावार, तो उस क्रॉप की ज्यादा पैदावार नहीं हुई, लॉस भी झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर स्पाइक मतलब वृद्धि, अचानक से टेम्परेचर में सडन राइज आ गया। ठीक है, और अनसीजनल हैवी रेन्स और बेमौसमी बरसातें जो लास्ट के महीनों में बहुत ज्यादा हुई थी, पिछले साल हिमाचल में तो हमने हाल देखा ही, उत्तराखंड में हाल देखा। ठीक है, तो वो बेमौसमी जो बारिशें हुई, उन्होंने क्या किया, फिर वो बारिशों का पानी कहां तक आ रहा था? पंजाब के इलाकों को फ्लड किया जा रहा था। ठीक है, वो भारी बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ, हाई टेम्परेचर स्पाइक्स और भारी बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ, वो इस साल नहीं देखना पड़ा। रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनल ग्रेन फॉर्मेशन एंड फिलिंग स्टेज, मतलब 2022 में टेम्परेचर हाइक्स था, 2023 में हैवी रेनफॉल थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो फाइनल फसल की उपज हुई, फाइनल जो गेहूं की जो भी फॉर्मेशन थी, जो फिलिंग स्टेज होती है, फिलिंग स्टेज मतलब जो उसमें दाना पड़ता है, ठीक है, गेहूं के अंदर दाना होता है ना, वो सिल्लों के अंदर, तो वो जो दाना पड़ता है उस स्टेज में, ये सब देखने मिला। नो सच आइड्स ऑफ मार्च वेदर इवेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस मेजर व्हीट बेल्ट। आइड्स ऑफ मार्च क्या होता है? एक राजा थे,
जूलियस सीजर नाम के, उनकी हत्या की गई थी मार्च के महीने में, 15वें दिन में, ठीक है, 15 तारीख को उनकी हत्या की गई थी, असैसिन किया गया था उनको। तो वो बोला जाता है कि बड़ा इतना बुरा दिन देखना पड़ा मार्च के महीने में हमें, तो बोला कि ऐसा कुछ भी बुरी घटना नहीं हुई, ऐसा कुछ भी बुरा, आइड्स ऑफ मार्च मतलब ऐसी कोई भी बुरी घटना, वेदर इवेंट, ऐसा कोई भी बुरा वेदर इवेंट इस साल में मार्च के महीने में नहीं हुआ इस मेजर वीट बेल्ट में, यानी कि ये जो मेजर जगह है जहां पे वीट की उपज होती है उसमें नहीं देखा गया। मार्च टेम्परेचर्स रूलिंग नियर नॉर्मल दिस टाइम, अब इस बार मार्च में टेम्परेचर जो है लगभग नॉर्मल था, एंड 3/4 ऑफ द ग्रेन फिलिंग कंप्लीटेड अगर्स वेल फॉर द क्रॉप अक्रॉस द इंडो गैंजेंटिक प्लेन्स। बोल रहे हैं कि मार्च का टेम्परेचर तो था वो स्थिर रहा, नॉर्मल रहा, नॉर्मल के आसपास रहा इस साल, और जो 3/4 गेन की फिलिंग है, फिलिंग मतलब उसके अंदर जो सिल्ला पड़ता है, जो उसके अंदर दाना आता है, ठीक है, वो जो दाना है वो ऑगर्स वेल यानी कि अच्छा आ चुका था, अच्छा ऑगर वेल मतलब गुड था, अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था, अगर इस क्रॉप की बात करें पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ये जो पूरा इलाका है ना पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, ये पूरे इलाके में, क्योंकि गंगा का रीजन है, ठीक है, गंगा के रीजन में पूरे में अच्छी फसल के दाने पड़ चुके थे। द प्रॉब्लम इफ एनी, अगर कोई परेशानी हुई, ठीक है, इफ एनी मतलब जो बड़ी परेशानी है अगर हुई तो, इज विद द वीट इन सेंट्रल इंडिया, तो ज्यादा बड़ी परेशानी अगर हुई हमें देखने मिली तो सेंट्रल इंडिया के वीट की उपज में देखने मिलेगी, कहां कहां, एमपी गुजरात एंड महाराष्ट्र, दैट हैज ऑलरेडी बीन और इज क्लोज टू बींग हार्वेस्टेड, जहां पे फसल या तो कटाई जा चुकी है या कटाने के एकदम निकट पहुंच चुकी है, एंड इवन देयर इट्स नॉट मार्च बट नवंबर दिसंबर टेम्परेचर्स दैट में हैव प्लेट स्पॉयलर, और वहां पे भी मार्च के महीने में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आइड्स ऑफ मार्च हमने नहीं देखे, वहां पे कोई भी ऐसी बुरी वेदर इवेंट नहीं हुआ मार्च के महीने में, लेकिन नवंबर दिसंबर के टेम्परेचर्स की वजह से जो फसल है वो खराब हो सकती है, प्लेट स्पॉयलर मतलब उसने हो सकता है कुछ खराब कर दिया हो, बाधा डाल दी हो। It only highlights how susceptible wheat and agriculture itself has been to climate change. तो ये केवल और केवल highlight मतलब प्रदर्शित करता है, रेखांकित करता है, susceptible मतलब संवेदनशील, तो बोल रहे हैं ये केवल और केवल यही highlight करता है, रेखांकित करता है कि wheat कितनी संवेदनशील है, और agriculture केवल wheat नहीं पूरा agriculture का field ही कितना संवेदनशील है किसके प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हिंदुस्तान में वो टोटली क्लाइमेट के ऊपर, वेदर के ऊपर निर्भर करता है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी हमारे पास मतलब टेक्नोलॉजीज हैं बट क्योंकि हम एक गरीब कंट्री हैं तो हर कोई उन टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई होने दो मौसम जो हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी फसल तो अच्छी होनी है, ये चीज की गारंटी आप नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप मान लो इरिगेशन सिस्टम अच्छा भी कर लेंगे तो आप सडन टेम्परेचर राइज जो होगा उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। इसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि हाइब्रिड जो बीज है इस तरीके के डेवलप किए जाए जिससे कि जो वो हर वेदर इवेंट को, हर टेम्परेचर को झेल सके, कम पानी चाहिए हो, ठीक है, इसकी इस दिशा में काम किया जाए। इन दिस केस, इस केस में इट इजंट जस्ट टर्मिनल हीट स्ट्रेस, ना केवल ये टर्मिनल हीट स्ट्रेस मतलब कि जो अंतिम तापमान होता है ना, एकदम टर्मिनल एंड पॉइंट का तापमान होता है जितने पौधे झेल सकते हैं, ना केवल उनके ऊपर वो स्ट्रेस आया, लीडिंग टू प्रीमेच्योर रिपनिंग, जिसकी वजह से फसल जो है अपनी उम्र से पहले पक गई है ना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, कई बच्चों के छोटे छोटे उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, यानी कि उम्र से पहले, प्रीमेच्योर मतलब उम्र से पहले उनके बाल सफेद हो गए। सेम चीज, फसल जो है वो पकनी थी मार्च में लेकिन वो पक गई फरवरी में, पक गई क्योंकि ज्यादा धूप पड़ी, ज्यादा तेज टेम्परेचर था, तो ज्यादा तेज टेम्परेचर की वजह से वो सूख गए, ड्राई हो गए, पक गए, ठीक है। एंड ड्राइंग ऑफ द क्रॉप, और फसल क्या हो गई, सूख गई इन इट्स फाइनल ग्रोथ फेज, और अपने फाइनल ग्रोथ फेज में वो सूख गई। इट इज ऑल्सो अबाउट रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग, और एक और चीज जिसने, एक और पहलू जिसने इन फसलों को खराब किया हो सकता है वो क्या होगा कि जिस समय फसल की बुआई चल रही थी उस टाइम पे टेम्परेचर जो है ज्यादा गर्म था, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें गर्माहट थी, गर्माहिश थी। इनिशियल वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड, जो कि शुरुआती वेजिटेशन की ग्रोथ का पीरियड होता है,
रिजल्टिंग इन फ्यूअर टिलर्स बींग फॉर्म्ड एंड प्रीमेच्योर फ्लावरिंग, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत टिलर्स क्या होते हैं वही अंकुर, तो बोले कि थोड़े ही अंकुर पड़े और जो पौधे हैं वो पहले ही फ्लावर करने लग पड़े, यानी कि अपनी उम्र से सही टाइम सही टेम्परेचर से पहले ही उनमें फ्लावरिंग होगी. क्लाइमेट चेंज दस मैनिफेस्ट इटसेल्फ बोथ इन द अर्ली ऑनसेट ऑफ समर एंड द डिलेड सेटिंग इन ऑफ द विंटर. बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इसका मतलब अपने आप को दोनों ही तरफ प्रकट करता है, दोनों ही तरफ दिखाता है. कौन सी दोनों तरफ? समर जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ऑनसेट मतलब शुरुआत होना, और विंटर जो है वो धीरे डिलेड सेटिंग इन मतलब शुरुआत, विंटर की शुरुआत जो है वो धीरे धीरे होगी, लेट होगी. ठीक है, समर जल्दी शुरू हो जाएगी, विंटर की शुरुआत लेट होगी. इफ दी 2021-22 वीट इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय द फॉर्मर, अगर 2021-22 की वीट जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में फॉर्मर यानी कि समर की गर्मियों की जल्दी शुरुआत होने की वजह से प्रभावित हुई थी, अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना, द क्रॉप दिस टाइम इन सेंट्रल इंडिया हैज अपेरेंटली टेकन अ हिट फ्रॉम द लेटर. लेकिन अब इस साल 2024 के साल में जो फसल है सेंट्रल इंडिया में यानी कि यूपी मध्य प्रदेश वाले जो गुजरात की जो बात कर रहे हैं ना, वहां पे इस साल क्या हुआ है कि लेटर मतलब सेटिंग इन ऑफ विंटर, डिलेड सेटिंग इन ऑफ विंटर यानी कि विंटर की शुरुआत देर से हुई, इस वजह से फसल प्रभावित हुई है, हो सकता है. ठीक है, अपेरेंटली मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि इस वजह से प्रभावित हुई हो. टू द एक्सटेंट द लोअर यील्ड्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया आर ऑफसेट बाय बेटर देन एवरेज प्रोडक्शन. बोल रहे हैं वो भी इस हद तक हो सकता है ये खराब कि जो कम उपज है सेंट्रल इंडिया से वो क्या हो जाए, ऑफसेट हो जाए, यानी कि उसकी भरपाई कर जाए बेटर देन एवरेज प्रोडक्शन इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, यानी कि जो अच्छी फसल है ऊपर नॉर्दर्न रीजन में गंगा वाले इलाकों में, वहां पे अगर अच्छी उपज हो गई, बेटर एवरेज से अच्छी उपज हो गई तो उसकी भरपाई हो जाएगी, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द कंट्री कैन स्टिल एंड अप हार्वेस्टिंग मोर वीट दैन इन 2021 एंड 2022-23. यानी कि अगर ये हो जाता है ना कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में अच्छी फसल उपज हो जाती है, तो देश में जो हालात जो कम हार्वेस्ट 2021-22 के दौरान और 22-23 के दौरान देखी थी, उससे बेहतर ही हमारे रिजल्ट्स आएंगे. Whether that is so will be known in a month's time. पर अगर ये हो पाता है या नहीं, whether that is so मतलब कि ये जो condition हम बता रहे हैं ये हो पाती है या नहीं, ये एक महीने के अंतराल में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अभी फसल कटी नहीं है, कटेगी, उनकी पूरी processing होगी, shredding की जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा, right? Thankfully, global wheat prices are currently at their lowest in 4 years. पूरे शुक्र है कि इस वक्त दुनिया भर के जो वीट के प्राइजेस हैं, गेहूं के प्राइजेस हैं, वो निचतम स्तर पर हैं, पिछले 4 सालों के सबसे निचतम स्तर पर हैं, मेकिंग इम्पोर्ट्स फीजिबल, जिसकी वजह से हम इम्पोर्ट करना हमारे लिए फीजिबल यानी कि संभव हो सकता है. द गवर्नमेंट शुड एनेबल इट बाय डूइंग अवे विद द 40% कस्टम्स ड्यूटी. और गवर्नमेंट को और ज्यादा इसमें बेहतरी करनी चाहिए, इसको संभव बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, जो उन्होंने 40% कस्टम ड्यूटी लगाई है इम्पोर्ट्स पे, किसके, वीट के इम्पोर्ट्स पे, उसको डूइंग अवे यानी कि समाप्त करना चाहिए. From a medium to long-term perspective, अगर हम थोड़े समय अंतराल मतलब निकटतम भविष्य से लेकर लंबे समय तक की अगर बात करें, India has to invest more in breeding for climate change. In breeding for climate change का मतलब हुआ कि ऐसी crop production करें, ऐसी उनकी offsprings पैदा करें जो climate change को झेल सके. ठीक है, यानी कि किसकी, फसलों की, बीज की, सीड क्वालिटी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर काम किया जाए. ये तो बात होगी मीडियम की, मीडियम पर्सपेक्टिव की, कि भाई अभी के लिए तो हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए, जो हम इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं वो हमें रिड्यूस करनी चाहिए या हटा देनी चाहिए, ये हो गया मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ उसका हमें सोल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें उन बीजों के जो ज्यादा पानी रिक्वायर करते हैं, जो ज्यादा टेम्परेचर हीट नहीं बर्दाश्त करते, जो ज्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनके हम ऑल्टरनेट्स निकालें.
The Green Revolution strategy essentially relied on expansion of irrigation and developing crop varieties responsive to high fertilizer application. बोल रहे हैं जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसने ज्यादातर जो उसका रिलायंस था, ज्यादातर जो उसका भरोसा था वो किसके ऊपर था कि हम इरिगेशन का विस्तार करेंगे, जगह जगह तक जहां पे सूखा पड़ता है वहां तक हम इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसका ज्यादा जो डिपेंडेंस है, ज्यादा जो फोकस है वो इसके ऊपर था। और दूसरा फोकस था ऐसी क्रॉप वेराइटीज जनरेट करना जो क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो हाई फर्टिलाइजर, यानी कि ज्यादा फर्टिलाइजर्स उन पे लगते हैं उसके से वो ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0's फोकस मस्ट बी ऑन इनपुट यूज एफिशिएंसी। उसका जो दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आएंगे हम, उसका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, जो इसके ऊपर इनपुट हम यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर, प्रोड्यूसिंग मोर फ्रॉम द सेम और इवन लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि ज्यादा उपज हो जितना अभी पानी इस्तेमाल करें उससे, या उससे भी कम पानी इस्तेमाल करके ज्यादा उपज हो, कम न्यूट्रिएंट्स से भी ज्यादा उपज हो और एनर्जी की खपत भी कम हो, एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू ब्रीडिंग ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट एंड हीट टॉलरेंट वैरायटीज। और हमें क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब क्या हो गया कि ऐसा फसल जो फिर से खड़ी हो जाए, जो जिसको नुकसान ना हो, गिरे पर फिर खड़ी हो जाए, ठीक है, यानी कि झेल पाए, क्लाइमेट को झेल सकने वाली हमें फसलें बनानी पड़ेंगी, जैसे कि ऐसी फसलों का बनाना जो कि ड्राउट मतलब सूखा, तो सूखे को प्रतिरोध कर सके, सूखे को झेल सके, यानी कि कम पानी में हो सके, हीट टॉलरेंट ज्यादा बहुत तेज गर्मी पड़गी उसको बर्दाश्त कर सके। दिस वुड एंटेल स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म एंड आइडेंटिफाइंग जीन्स। इसमें क्या जरूरी होगा, स्क्रीनिंग मतलब जांच करना किस चीज की, जर्म प्लाज्म क्या है, जेनेटिक मटीरियल है प्लांट्स या एनिमल्स का जिसको ब्रीडिंग या कंजर्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करना, जांच करना एंड आइडेंटिफाइंग, और उन जीन्स का पता लगाना प्लांट्स के अंदर जो कि जिम्मेदार है किसके, डिजायरेबल ट्रेट्स के, यानी कि हमें चाहिए कम पानी में ज्यादा पैदावार हो तो उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन इसको प्रभावित करता है, हमें वो पता लगाना है। हमें चाहिए कि फसल जो है बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सके तो उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें वो पता लगाना। तो जब हम ये चीजें पता लगा लेंगे तो फिर उसके आगे से हम उनकी फ्यूचर ब्रीडिंग करवा पाएंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। अब हुआ क्या है, 1 मार्च को हमारे देश के गोडाउन्स में वीट की कितनी मात्रा बची है उसके आंकड़े आए सामने, ठीक है। पता चला कि पिछले 7 सालों में सबसे कम तक का अभी तक का भंडारण हमारे पास बचा है, वो भी उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि अलनीनो इफेक्ट जो है वो प्रभावित करने वाला है, ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें सामने आ रही हैं। फिर वो बोलते हैं कि क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने 2021-22 के दौरान में कुछ खराब चीजें देखी, जैसे कि हीट बहुत ज्यादा थी 2021-22 के दौरान में, टेम्परेचर बहुत राइज किया, उस वजह से फसलें खराब हो गई। और 2023 में क्या हुआ, 22-23 में कि भाई एंड ऑफ द सीजन बारिश बड़ी पड़ी, जब फसलों की कटाई का टाइम था उस टाइम पहले सूखा रहा उसके बाद में बारिश पड़ी, ठीक है, तो उस वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा तो इसलिए भंडारण हमारा कम हुआ। अब बोल रहे हैं इस साल मार्च के महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अब फसलें कटाई की तरफ पहुंच चुकी हैं, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं उस तरफ तो अच्छी फसल होगी। जो एक समस्या हमें झेलनी पड़ सकती है वो सेंट्रल इंडिया में हमें झेलनी पड़ सकती है। क्यों झेलनी पड़ सकती है सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि कुछ कारणवश जो नवंबर दिसंबर में सर्दियां लेट स्टार्ट हुई उनका प्रभाव वहां की फसलों में पड़ा हो सकता है। क्लियर पिक्चर तभी सामने आएगी, क्लियर पिक्चर तभी आएगी जबकि हमें यह पता चलेगा कि फसल कटाई के बाद मार्केट में कितनी मात्रा में पहुंची, ठीक है। अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हुई है, कई इलाकों में शुरू हुई है तो खत्म नहीं हुई है। फाइनल डेटा हमारे पास तब आएगा, क्लियर पिक्चर तब आएगी जब हमारे पास मार्केट में मंडियों में फसल पहुंच जाएगी तब, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि वहां पे सेंट्रल इंडिया में फसल कम हुई है और नॉर्दर्न पार्ट में अच्छी फसल हो गई है तो वो ओवरकम कर लेगी, जो घाटा हुआ है उसको ओवरकम कर लेगी, मतलब हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है बैलेंस आउट, किसी भी कारणवश कुछ परेशानी आती है, नहीं हो पाता बैलेंस आउट,
तो भी हमारे पास एक ऑप्शन इस वक्त ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की जो कीमत है वो पिछले 4 सालों के सबसे निचतम स्तर पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए, जो उन्होंने 40% कस्टम ड्यूटी लगा रखी है वीट के इम्पोर्ट के ऊपर, उसको हटाना चाहिए, ठीक है। और स्टोर कर सकते हैं, सरकार कर सकते हैं, कोई लोग जो कंपनीज है वो कर सकते हैं स्टोरेज का, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्टेप उठाना चाहिए। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, ठीक है, कि भाई वहां से आ गया तो वहां पे बैलेंस आउट हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में वीट की अभी कीमत कम चल रही है तो वहां से भी हम फायदा उठा सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गए। लेकिन हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है दिन प्रतिदिन और ज्यादा घातक होता जा रहा है, तो ये समस्या आगे आने वाले समय में और होगी। हमारे रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि भाई एलनीनो इफेक्ट भी है वो जो प्रभावित करने वाला है। हालांकि एक अल्टरनेट, एक हमारे पास राहत की सांस ये है कि जो इंडियन ओशन डिपोल है उसकी वजह से बारिश हम देखेंगे, लेकिन वो ऑफ सीजन हो सकती है, ठीक है। तो उस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी फसलों का, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका टोटल फोकस जो था इरिगेशन के ऊपर और ऐसी फसलों की क्वालिटीज डेवलप करने के ऊपर था जिनको ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए। लेकिन हम ग्रीन रेवोल्यूशन 2 ला सकते हैं, सेकेंड फेज ला सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसका मुख्य फोकस हो हाइब्रिड ऐसे जनरेट करने का या ऐसी फसलों की पैदावार करने का, बीज तैयार करने का, जिनको कम पानी चाहिए, कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कम एनर्जी चाहिए और क्लाइमेट भी वो झेल सके, क्लाइमेट की मार भी वो झेल सके, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, उन जीन्स का पता लगाना पड़ेगा जो इन पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके अनुसार उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये था पूरा पैसेज, काफी सिंपल और इजी पैसेज था, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पॉजिटिव टोन दिखाई दी कि भाई हाँ जी बहुत अच्छी फसल होने वाली है, बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा, ये वो, कुछ पॉजिटिव नहीं था। एक उम्मीद थी तो उसको तोड़ती हुई एक दूसरी निराशा की किरण भी थी, निराशा भी थी साथ में, उम्मीद किरण थी कि इंडोगैंजेंटिक प्लेन्स में हो सकता है अच्छी फसल हो, निराशा थी सेंट्रल इंडिया में हो सकता है खराब फसल हो, ठीक है। तो इंडोगैंजेंटिक में अच्छा, सेंट्रल इंडिया में खराब, तो वो ओवरकम कर लेगा एक दूसरे के कमियों को पूरा कर देगा। लेकिन अगर फिर भी कमी होती है तो क्या करें, तो बाहर से इंपोर्ट करें, यानी कि पैसेज जो था एनालिटिकल था, अगर ये समस्या होती है तो ये कर लो, ये समस्या होती है तो ये कर लो, ये समस्या होती है तो ये कर लो। सो ऑप्शन सी एनालिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, द हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का इतिहास पढ़ा, नहीं ना। ग्रीन रेवोल्यूशन का चर्चा सिर्फ इतनी है कि उस टाइम पे किस चीज के ऊपर फोकस किया था और अब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की जरूरत है और हमें उस पर किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट कि एग्रीकल्चर के ऊपर इस क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following statements best describes the impact of climate change on wheat production in India? कि हिंदुस्तान में wheat production के ऊपर climate change का क्या प्रभाव पड़ा है, वो कौन सी statement बताती है? Climate change had a negligible impact. Negligible मतलब बिल्कुल नकारात्मक, कोई ना के बराबर impact. तो ना के बराबर तो impact नहीं पड़ा ना 2021-22 के दौरान में, हीट टेम्परेचर्स, हीट राइज, सडन स्पाइक, इसने प्रभावित किया। 2022-23 के दौरान में बारिश, एंड ऑफ द सीजन में बारिश, कटाई के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिशों ने प्रभावित किया, तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो पड़ा, तो नेग्लिजिबल इंपैक्ट तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीट प्रोडक्शन हैज बीन द फ्लक्चुएशन ऑफ मार्च टेम्परेचर्स विच हैज डायरेक्टली अफेक्टेड द वीट यील्ड इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड बिहार, ये इनकरेक्ट है। प्राइमरी इंपैक्ट जो है वो फ्लक्चुएशन मार्च के टेम्परेचर में नहीं थी, मार्च के टेम्परेचर में अंत में आता है, कटाई के टाइम पे आता है, ठीक है, तो ये गलत है। क्लाइमेट चेंज हैज मेड वीट प्रोडक्शन मोर ससेप्टेबल टू वेदर, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वीट की, गेहूं की फसल है वो ज्यादा वेदर के ऊपर प्रभावित होती है, वेदर इवेंट से प्रभावित होती है, सच एज टेम्परेचर स्पाइक्स एंड अनसीजनल हैवी रेन्स विच हैव कॉज्ड यील्ड लॉसेस इन रिसेंट ईयर, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What can be inferred about the wheat crop in Punjab, Haryana, UP and Bihar for the current year based on the passage? बोले हैं कि बिहार, पंजाब, यूपी, हरियाणा, यहाँ की फसलों के बारे में, वीट के बारे में,
इस साल के बेसिस पे क्या कहा जा सकता है, यही कहा जा सकता है कि अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है, ठीक है। द वीट क्रॉप इज एक्सपेक्टेड टू सफर यील्ड लॉसेस ड्यू टू अनसीजनल हेवी रेन्स ड्यूरिंग द फाइनल ग्रेन फॉर्मेशन एंड फिलिंग स्टेज। इनकरेक्ट है ये। अ बम्पर हार्वेस्ट इज एंटिसिपेटेड, ठीक है, कि बम्पर हार्वेस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। एज देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड एडवर्स वेदर इवेंट्स ड्यूरिंग द क्रूशियल ग्रेन फिलिंग स्टेज एंड मार्च टेम्परेचर्स हैव बीन नियर नॉर्मल। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भारी मात्रा में वीट की हम उपज मान रहे हैं कि मिलेगी, क्योंकि कोई भी खराब इवेंट नहीं हुआ जिस उस समय के दौरान में जो कि ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है, ग्रेन के बीज पड़ने की स्टेज होती है, और मार्च में भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहे, सामान्य ही रहे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट फैक्टर कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिया पोटेंशियली हार्वेस्टिंग मोर वीट इन करंट ईयर कंपेयर टू 2021-2022-23? क्या फैक्टर है जो कर सकता है, अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो वीट की फसल है वो अच्छी होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में कोई नुकसान नहीं रहा, ठीक है, कोई ऐसा एंड ऑफ द सीजन कोई गड़बड़ नहीं हुई, बीच में भी मौसम सही टाइम पे बारिश भी हो गई, सही टाइम पे सब कुछ हो गया, ठीक है। द इम्पोजिशन ऑफ ए 40% कस्टम ड्यूटीज ऑन वीट इम्पोर्ट्स टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये तो गलत है ना, इससे हमारे देश की प्रोडक्शन का क्या लेना देना, हमारे देश की हार्वेस्ट का क्या लेना देना, ये इनकरेक्ट है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वीट वेराइटीज दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस, इनकरेक्ट है। इसका भी जो वेदर है इवेंट उससे कोई लेना देना नहीं है, और इसका यहाँ पे पैसेज में ज्यादा कुछ मेंशन भी नहीं है। लोअर यील्ड्स इन सेंट्रल इंडिया ड्यू टू फेवरेबल वेदर कंडीशंस, तो फेवरेबल अनफेवरेबल सॉरी, तो हम लोअर इंडिया की खराब फसल की बात नहीं कर रहे, अच्छी पोटेंशियली हार्वेस्टिंग मोर वीट यानी कि अच्छी फसल की बात कर रहे ना। बेटर दैन एवरेज प्रोडक्शन इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ सेटिंग लोअर यील्ड्स इन सेंट्रल इंडिया, जो क्या कर देगी, बैलेंस आउट कर देगी सेंट्रल इंडिया के लोअर यील्ड्स को, लोअर उपज को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉज इनडिसाइसिवली, वन वर्ड सब्सिट्यूट करना है कि आप बिना सोचे, बिना ऐसा नहीं कि हमने सोचा पर आप कहीं पे रुक गए, बीच में ब्रेक ले लिया, तो आप जब हेजिटेट होते हैं, आपको अगली बात बोलने में समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ आ गया दिमाग में, विचार उथल पुथल हो गए, तब क्या करते हैं आप, हेजिटेट करते हैं, हाइबरनेट, हाइबरनेट भालू करते हैं, सो जाते हैं सर्दियों में, गहरी नींद में चले जाते हैं, ठीक है। हेजिटेट मतलब झिझकना, संकोच करना। हॉइस्ट, हॉइस्ट मतलब उड़ाना, हॉबल मतलब लंगड़ाना, तो यहां पे ऑप्शन बी हेजिटेट इज करेक्ट। द स्नैप 10A वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 April 1965 ऑन अ एटलस अजेना डी रॉकेट फ्रॉम वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस। एक स्नैप 10A करके कुछ रॉकेट होगा, कुछ मिसाइल होगा, कुछ चीज होगी, जिसको लॉन्च किया गया 3 April 1965 को ऑन एटलस ए साउंड आ रहा है, एप्पल एटलस ए साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू ए के साथ में एन, ठीक है, ए की जगह पे क्या आएगा, एन, एन एटलस एजेना रॉकेट। तो यहां पे हमें बताना है कहां पे एरर है, एट ये करेक्ट है, करेक्ट एन, यहां पे एरर है, ये करेक्टेड फॉर्म है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Select the correct spelling of the underlined word in the following sentence. He despised the taste of black coffee. उसको black coffee का taste जो है वो पसंद नहीं था. तो despise, despise की spelling क्या होते हैं? D-E-S-P-I-S-E-D. यानी कि उसको पसंद नहीं था, taste नहीं अच्छा लगता था. He despised. Option C is correct. This car is lesser expensive than the one I have come to buy. तो बोल रहे हैं कि ये कार जो है, जो कार मैं खरीदने आया हूं, उससे कम एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो लेस के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लेसर के साथ में, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, आप सफल होने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। Futile attempts to win, यानी कि आपके जीतने के कुछ बेकार से प्रयास हैं। Desperate attempt to succeed, सफल होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। Holding the last strands at straw, यानी कि जो कोई straw है उसका last तिनका भी, आखिरी तिनका भी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Wasting time, wasting
टाइम इंजॉयिंग एंड रिलैक्सिंग, कि आप पूरा समय इंजॉय और रिलैक्स करने में बिता रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड इज करेक्ट. शी टोल्ड मी डैश दैट शी वॉज गोइंग टू लिव इन न्यूयॉर्क. किसी ने आपको सडनली कोई चीज बताई, आप लोग अच्छी खासी बात कर रहे हैं, फिर उसने बोला मेरी कल शादी है, तो आपको क्या लगेगा, अरे अचानक से, अभी तक तो इसने कुछ बताया नहीं, इतने महीनों से शादी, एक दिन में थोड़ी प्लान हो गई, महीनों से इतने से बताया नहीं. सो आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन, जो एकदम से अचानक से कुछ बता दिया. ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ हो, उच्च कुल में पैदा हुआ. ब्लैक एंड ब्लू मतलब चोटों से, बहुत ज्यादा उनको चोटें लगी हुई हैं. आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयर केस में. तो यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू ऑप्शन सी इज करेक्ट. द मेडिकल प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल बट द पेशेंट एक्सपीरियंस सम माइनर ट्रबल्स ड्यूरिंग रिकवरी. अब ट्रबल्स का सिनोनिम चाहिए, तो उसका मेडिकल प्रोसीजर सक्सेसफुल था, लेकिन जो पेशेंट था उसको रिकवरी के दौरान में कुछ परेशानियां आई. परेशानियां यानी कि एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब किसी चीज का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं. कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं, तो कॉम्प्लिकेशन आई, परेशानियां आई. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, और ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य. तो यहाँ पे ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेशन इज करेक्ट. इट इज सेड दैट फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव. फॉर्च्यून क्या है? फॉर्च्यून एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फॉर्च्यून के साथ में वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगा? फॉर्च्यून. फॉर्च्यून फेवर्स, FAVOURS, फेवर्स, ठीक है. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. सो सी में एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. टीनेज इज द फेस ऑफ लाइफ व्हेन यू आर पोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड. आपको कोई पेश करता है बाहरी दुनिया को, आपके पेरेंट्स ले जाते हैं आपको, प्रपोज करते कि ये लो जी मेरा बेटा, रगड़ो इसको अच्छी तरीके से, इसके खूब मजे लो, और मतलब इसको तोड़ फोड़ के जैसा मर्जी आपको करना कर दो. ऐसा तो नहीं करते ना. टीनेज एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा फेज है आपकी लाइफ का, जिसमें आप एक्सपोज होते हैं बाहरी वर्ल्ड से, यानी कि आप उनके कांटेक्ट में आते हैं, बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है. यानी कि एक्सपोज होते हैं, ना कि प्रपोज होते हैं. यू आर एक्सपोज टू दी आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. सार्जेंट, सार्जेंट कौन होता है? पुलिस में जो ऑफिसर होते हैं ना. प्ले राइट मतलब राइटर जो. एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. EXPERIENCE, एक्सपीरियंस. लेजर मतलब जो फ्री का समय होता है, जिस समय में आप अपनी पसंदीदा कोई चीज कर सकते हैं, ठीक है. सो उसको बोला था लेजर. सो ऑप्शन सी एक्सपीरियंस इज करेक्ट. रवि हैज लिटिल इन डैश विद हिज फ्रेंड सेंथिल. आपके फ्रेंड के साथ में कुछ ज्यादा समानताएं नहीं है, कुछ ज्यादा चीजें आपकी मिलती नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? लिटिल इन कॉमन. लिटिल इन कॉमन एक सामान्य फ्रेज है, जिसका मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में ज्यादा कुछ समानताएं नहीं है. सो ऑप्शन ए लिटिल इन कॉमन इज करेक्ट. कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद. फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, औपचारिक. नॉर्मल मतलब सामान्य. तो यहाँ पे ऑप्शन ए कॉमन इज करेक्ट. डेंस, डेंस मतलब बहुत घना, तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? बिखरा हुआ सा, ठीक है. सो ऑप्शन ए है स्पार्स. स्पार्स मतलब थोड़ा थोड़ा, थिन बहुत बारीक. सो डेंस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्पार्स. ओपेक अपारदर्शी, क्लोज्ड बंद, थिक बहुत घना. सो यहां पे ऑप्शन ए स्पार्स इज करेक्ट. द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूस इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. बोल रहे हैं कि कोबरा और मोंगूस के बीच की जो लड़ाई है वो एक क्लासिक, यानी कि बहुत पुराना चला आ रहा ड्रामा है, जो अक्सर हिंदुस्तान में देखा जा सकता है. एंड द आउटकम वॉज लार्जली द सेम. अब देखो जो चल रहा है स्टेटमेंट वो इज प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, ठीक है. तो वॉज अचानक से आप पास्ट में क्यों लिखेंगे? द आउटकम इज लार्जली द सेम, और इसका नतीजा अक्सर एक ही रहता है, अक्सर ज्यादातर इसका नतीजा जो है वो सेम ही रहता है. आउटकम वॉज की बजाय आउटकम इज करेक्ट. द लिटिल चाइल्ड रोट हिज नेम क्विक ऑन द वॉल. तो एक बच्चे ने बड़ी तेजी से नाम लिखा, तो क्या आएगा? एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ में उसके मैनर को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडवर्ब की जरूरत है, तो यहां पे क्विक की बजाय क्या आएगा? क्विकली, QUICKLY, क्विकली. तो ऑप्शन ए में एरर है, क्विक की बजाय क्विकली आएगा.
बोन टू पिक, बोन टू पिक का मतलब होता है कि आप एकदम लड़ाई के लिए आतुर हैं, बहुत एंग्री हैं और कुछ चीज आप गुस्से में डिस्कस करना चाहते हैं जिससे कि लड़ाई ही होगी, ऑब्वियस सी बात है. टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वॉन्ट टू डिस्कस इट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल अर्थली पोजिशंस, की सेहत जो है जितने भी हमारे पास मूलभूत चीजें हैं उनसे, उनमें सबसे बेहतर, सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्राइसलेस चीज क्या है, हेल्थ है, सेहत है. विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ डैश, इसके बिना बाकी सब चीजें क्या है, किसी कीमत की नहीं है. टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेस इन ईटिंग, अब अच्छी सेहत एंजॉय करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें ज्यादा खाने से बचना चाहिए. वी शुड ईट मॉडरेटली एंड डिवोर वट एवर डैश गेट, हमें मॉडरेटली यानी कि थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए और जो भी हमें मिले वो सब खाना चाहिए. ये नहीं नखरे मारो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खासतौर पर पिज्जा खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए. वेन यू सिट अमंग मेनी फॉर द डिनर, फॉर अ डिनर बोल रहे हैं कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के कुछ खा रहे हो, चाहे कोई भी मील हो, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के आप खा रहे हैं, तो डू नॉट रीच योर हैंड आउट डैश ऑफ ऑल, यानी कि आप सबसे पहले जाके नहीं कि मैं सबसे पहले प्लेट भर लूं, ऐसा ना करिए. बाकियों को खाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद बाकियों को लेने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए. अ लिटिल फूड इज सफिशियंट फॉर अस, हमारे लिए थोड़ी सी मात्रा में खाना ही काफी होता है. मैंने एक जगह पे एक बात पढ़ी थी कि आप खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं. अगर जीने के लिए खा रहे हैं तो एक या दो रोटी भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर खाने के लिए जी रहे हैं तो आप पांच छह भी खा जाइए, आपको वो तृष्णा नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी, ठीक है. साउंड स्लीप कम्स ऑफ अ लाइट स्टमक, अच्छी सेहत. साउंड स्लीप मतलब आवाज करने वाली स्लीप नहीं, पर गहरी नींद, गहरी नींद को बोला जाता है साउंड स्लीप. तो साउंड स्लीप यानी कि गहरी नींद तभी आती है जब आपका पेट जो है वो हल्का होगा. सच अ मैन राइजेस डैश इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में आप जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने को क्या बोलते हैं, राइजेस अर्ली. तो ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छी नींद आई है, जिसका पेट हल्का है, जिसको अच्छी नींद आई है, वो सुबह जल्दी उठेगा. एंड इज एट ईज विद हिमसेल्फ, और उसको कोई बेचैनी, भारीपन, ऐसा अजीब सी फीलिंग्स जो आजकल हम लोगों को अक्सर रहती है कि यार बेचैनी से हो रही है, जी भारी भारी रह रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, एसिडिटी होगी, ये सब परेशानियां नहीं होंगी, वो आराम से अपने आप से वो खुश रहेगा, अपने आप में उसको हल्कापन फील होगा. सो टू डैश गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली, तो अच्छी सेहत पाने के लिए हमें हल्का फुल्का खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए. फॉर अ मैन हु डज नॉट ओवर ईट, कोई व्यक्ति जो ओवर ईट नहीं करता वो क्या करता है, एंजॉय साउंड स्लीप, उसको गहरी नींद आती है, एंड राइजेस अर्ली कंप्लीटली रिफ्रेश्ड, और वो सुबह एकदम तरोताजा उठता है. विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ इट, इसकी कीमत क्या है, वर्थ नथिंग, मतलब कोई कीमत नहीं है, बाकी किसी चीज की कोई कीमत नहीं है. सो ऑप्शन बी नथिंग इज करेक्ट. वी शुड ईट मॉडरेटली एंड डिवोर वट एवर डैश गेट, वट एवर अस गेट, वट एवर ही गेट, वट एवर वी गेट या वट एवर इट गेट. तो वी की बात करें तो आगे भी क्या आएगा, वट एवर वी गेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेन यू सिट अमंग मैनी फॉर अ डिनर डू नॉट रीच योर हैंड आउट डैश ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ ऑल या फर्स्ट ऑफ ऑल. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पूरा एक बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल का एक मतलब तो होता है कि सबसे पहले, सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये, बट यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहे कि सबसे पहली बात, वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना हाथ मत बढ़ाइए, बाकियों को लेने दीजिए, उसके बाद में आप लीजिए. सो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑफ ऑल इज करेक्ट. सच अ मैन राइजेस डैश इन द मॉर्निंग, राइजेस लेट इन द मॉर्निंग, एक्टिव इन द मॉर्निंग, आइडल इन द मॉर्निंग या अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी उठेगा, ठीक है. सो ऑप्शन बी अर्ली इज करेक्ट. सो टू डैश गुड हेल्थ, सो टू लूज गुड हेल्थ, आपको अच्छी सेहत लूज करनी है, बेनिफिट करनी है अच्छी सेहत, रिवॉर्ड करनी है अच्छी सेहत या एंजॉय करनी है, तो आपको एंजॉय करनी है ना, तो अच्छी सेहत एंजॉय करने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको कम मात्रा में, मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए. और जो व्यक्ति ओवर ईट नहीं करते उनको गहरी नींद आती है और वो सुबह जल्दी और रिफ्रेश्ड उठते हैं, बिल्कुल तरोताजा उठते हैं. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.